पढ़ो और लड़ो के नारा देकर अमर हो गए विनोद बाबू। झारखंड युवाओं को जरूरत है विनोद बाबू के विचारों पर चलने की, जीप सदस्य विकास महतो ने कही ये बातें। शुक्रवार को तोपचांची प्रखंड के मानटाण स्थित विनोद बिहारी महतो के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी जयंती मनाई गई। मौके पर उपस्थित जीप सदस्य विकास कुमार महतो ने कहा, झारखंड राज्य का गठन में इनका अतुलनीय योगदान है। इन्होंने झारखंड को अलग पहचान दिलाने का काम किए हैं। उन्होंने पढ़ो और लड़ो का नारा दिया था, यानी हम पढ़ लिख कर अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। आज की युवाओं को जरूरत है विनोद बाबू के दिए गए विचारों पर चलने की। विनोद बिहारी महतो का जन्म सुदूर बलियापुर बड़ा दाहक गांव में हुआ था। 4 फरवरी 1973 को अलग झारखंड राज्य निर्माण के लिए दिशोम गुरु, सेबू सोरेन, प्रसिद्ध मजदूर नेता ए के रॉय, टेकलाल महतो आदि के साथ मिलकर उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया। वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अलग झारखंड राज्य को घोषणा की। विनोद बिहारी महतो राजनीति में आने के बाद पहली बार 1980 को टुंडे विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। इसके बाद सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से 1985 में विधायक बने। 1991 में मध्यावधि आम चुनाव में गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए थे। 18 दिसंबर 1991 को दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के दौरान हृदय गति रुक जाने से विनोद बिहारी महतो का निधन हो गया। ये झारखंड के पितामह विनोद बाबू की जयंती है और पूरे संपूर्ण झारखंड, आज जो झारखंड बना है, तो इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक रहे हैं। और इनका एक जो नारा था कि पढ़ो और लड़ो, तो अब समय आ गया है पूरे झारखंड में कि इनके उस नारे पे हम लोग अमल करें। क्योंकि जयंती में सिर्फ फूल माला पहनाने और एक दिन मनाने से नहीं होगा, इनके विचारों पे चलना होगा हम लोगों को, तभी झारखंडियों को हक और अधिकार मिलेगा। और इन्होंने जो कहा था कि पढ़ो और लड़ो, मतलब ये खुद भी वकालत की इन्होंने पढ़ाई की थी और उसके बाद ही इन्होंने चूँकि कानून को जाना तो कानून के लिए लड़े और झारखंडियों के लिए लड़े। झारखंड राज्य आज हमें प्राप्त हुआ है तो इनका बहुत अहम योगदान और इन्हीं का देन है। तो आज इनकी जयंती पे हम लोगों ने माल्यार्पण किया है और आगे कोशिश करेंगे कि इनकी विचारधारा पे चलेंगे। और जो इन्होंने नारा दिया था पढ़ो और लड़ो, तो हम लोग पढ़कर कानून संबंध जानकर झारखंडियों के लिए लड़ेंगे और झारखंडियों को हक दिलाने का काम करेंगे। झारखंड के युवा को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पढ़ो और लड़ो का संदेश ही वही है कि जब तक आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा तब तक कानून को जानिएगा नहीं, तो अपने हक अधिकार को नहीं जानिएगा तो आप कैसे अपने हक अधिकार को प्राप्त कीजिएगा। तो इसके लेके झारखंड के तमाम युवाओं से है कि पढ़ाई कीजिए और बेहतर भविष्य के लिए पढ़ाई कीजिए, अपने अधिकारों को जानिए और अगर अधिकार नहीं मिले तो फिर उनके लिए लड़िए, तभी विनोद बाबू के सपनों का झारखंड हम लोग बना सकते हैं और उनके सपनों के झारखंड के आधार पर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं।